मॉर्निंग, दिस इज आर डे टू इन कालवेवारी। सुबह हो चुकी है और बहुत प्यारी सुबह है यहाँ की। मैं आपको सबसे पहले यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। दिस इज आर मॉर्निंग व्यू। कितना कामिंग है ना, हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है ना। मैंने ऐसे वाली ब्रेड्स ट्राई करी हैं आज। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं रेडी भी हो गई हूँ। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो हमारा होटल में कॉम्प्लीमेंट्री था। अब हम बस डे टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने डे वन मिस कर दिया बाय चांस, तो आप पहले डे वन की वीडियो देख लो, फिर हम डे टू कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज ये भी देख सकते हो, फिर बाद में वो देख लेना, इट्स फाइन। कार्लोवेवारी एक बहुत ही छोटी सिटी है। यहाँ पे सब कुछ अराउंड 30-40 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप वॉक, ट्रैक और कैब तो यूज कर ही सकते हो, बट उसके अलावा आप कार्लोवेवारी रीजन कार्ड बनवा सकते हो, विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट, जो 2, 4 और 7 डेज के लिए बन जाता है। एंड विद इन इट्स वैलिडिटी टाइम आप यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी लिमिटेशंस फ्रीली यूज कर सकते हो, विच इंक्लूड्स अनलिमिटेड राइड्स ऑफ लोकल बसेस एंड फनिकुलर रेलवेज एंड 1 फ्री राइड ऑन डायना फनिकुलर एंड मिनिएचर ट्रेन। सिटी के बेस्ट व्यू के लिए यू नीड टू गो अप हिल, एंड द बेस्ट वे टू गेट द बर्ड्स आई व्यू इज फ्रॉम डायना टावर, जो हमारी आज की पहली लोकेशन है। वहां पर पहुंचने के लिए आप वॉक या ट्रैक कर सकते हो या फनिक्यूलर रेल से पहुंच सकते हो। दैट चार्जेस ओनली 72 चेक क्राउन्स फॉर 1 वे, और यू कैन टेक अ कैब एज वेल। एंड वी चोज द 3rd ऑप्शन बिकॉज वेन वी सेड रिलैक्सेशन, सो वी टुक इट वेरी सीरियसली। जब हम डायना टावर में एंटर करने वाले थे, वी गॉट टू नो दिस। क्या हुआ? कोई बात नहीं, जू चलते हैं। फनिकुलर भी वॉकिंग नहीं है। डायना लुकआउट टावर की लोकेशन पर रेस्टोरेंट भी है, मिनी जू भी है और बटरफ्लाई पार्क भी है फॉर किड्स। बट इस टाइम पर एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड, और वो 2nd to 3rd February तक बंद ही रहने वाला था बिकॉज ऑफ वेदर। चलो किसी से तो मिले हम। Hi. Hello. क्या कर रहे हो? ये ना पर्स में बहुत थोड़े से चावल पड़े हुए थे। ओके। तो मैं सोचूं दे देती हूँ उनको। ये जीरा चावल खाते हैं अभी। ये खाओगे? ये देखो बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं है, बट पर्स में थे तो मैंने कहा क्या पता। गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, एंड ये डायना लुकआउट टावर सबसे ऊपर है ना, मतलब बर्ड्स आई व्यू मिलता है यहाँ से। तो आई गेस यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहता है विंटर्स के टाइम पे, तो इसलिए 3rd February तक सब कुछ यहाँ पे बंद किया हुआ है। बटरफ्लाई म्यूजियम, बटरफ्लाई पार्क एंड जू भी बंद है, बट स्टिल आपको कुछ शॉट्स तो दिख गए यहाँ के। एंड टावर भी बंद है इस टाइम पे, फेनिकुलर भी बंद है इस टाइम पे, एंड बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है, तो आई थिंक यही सेफ रहेगा कि ये बंद ही रखें। बट हमारे पास तो खैर और कोई टाइम नहीं था, तो हमें अभी आना था। बट अगर आपके पास ऑप्शन हो तो 3rd February के बाद ही आना प्रेफर करो यहाँ पे, तो सब कुछ आप कवर कर पाओगे इजीली। हवा तो मतलब इतनी तेज़ चल रही है ना यहाँ पे कि मतलब लिटरली उड़ा देने वाली। मेरे बाल पूरे ख़राब हो गए हैं, बट वो तो खैर चलता है। बुबू क्या हुआ, ठंड लग रही है? नहीं, कल ये लड़की कह रही थी कि इतनी ठंड लग रही है, और आज सिर्फ सीधा कोट में आ गई है। और टोपी कहाँ है? बाल ऐसे बनाए थे। हम बाल बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, और कोट बंद करो पहले। अरे ठीक है ना, ये ड्रेस का लुक है। लुक है, नहीं लगेगी ठंड मेरे को। लग रही है। डायना टावर से 0.8 किलोमीटर नीचे जाने के बाद यू कैन हैव अ लुक एट डियर जंप लुकआउट, जहां से सिटी को डिस्कवर किया गया था। हाय मम्मी, हम पहुंच गए।
अपहिल से नीचे आने के बाद हम सीधा लैंड हुए एट द लोकेशन ऑफ हाउस ऑफ वैक्स विच इज इन द चर्च सेंट ल्यूक, जिसमें इन पास्ट 120 इयर्स जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज ने सिटी को विजिट किया है उन सबके वैक्स फिगर्स हैं, इंक्लूडिंग एथलीट्स, टीवी स्टार्स, पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिलीज एंड सम आइकॉनिक फिगर्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एज वेल। अंदर कैमरा यूसेज वॉज प्रोहिबिटेड, तो आपको इसका इंटीरियर गूगल सर्चेस पे ही देखना होगा। अब हम वॉक करते हुए सिटी के मेन एरिया में पहुंचे टू हैव लंच। दोबारा बोलो। बुबू ने थाना थालिया। थाना थालिया? ये क्या हो गया? कहाँ है थालिया? थालिया। यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि जो रिवर में डक्स हैं और जो रिवर की नियर अराउंड बर्ड्स हैं, आप उनको यहाँ इस एरिया में खाना भी खिला सकते हो। ले बर्ड्स के लिए खाना। चलो अच्छा लग रहा है ना? हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद हम फाइनली अपनी लंच लोकेशन पर पहुंचे, दैट वॉज ग्रैंड पूप होटल विच इज द लग्जरी होटल ऑफ कार्लो विवारी एंड द होटल ऑल्सो होस्ट्स द एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हर साल समर टाइम पे जुलाई में होता है और इसमें हॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज शामिल होते हैं और होटल पूप में ही स्टे करते हैं। होटल का कैफे भी काफी ओल्ड क्लासिक लग्जरी डिजाइन का था एंड देयर सर्विस प्लस द फूड वाज अप टू द मार्क। डू यू नो कि जेम्स बॉन्ड कैसीनो रॉयल मूवी का मेन होटल ग्रैंड पूप ही था और मूवी के कई सीन्स इस होटल में ही शूट हुए थे। इनफैक्ट कैसीनो रॉयल की तो काफी शूटिंग कार्लो विवारी सिटी में ही हुई थी। नेक्स्ट वी वेंट टू अ लोकल कॉस्मेटिक शॉप मैन्युफैक्चुरा। यहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बियर और सॉल्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स से बनते हैं जो इधर की स्पेशलिटी है। इफ यू वांट टू टेक समथिंग डिफरेंट एज अ सोवेनियर फॉर योर फैमिली और फ्रेंड्स देन दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन एंड सो वी ऑल्सो बॉट अ फ्यू प्रोडक्ट्स टू ट्राई एंड एक्सपीरियंस देम। हेलो एंड देन हमारे डिवाइसेस का चार्ज खत्म हो गया and so we couldn't record the rest of our journey entirely but we do have some pictures and clippings here and there so ab main glue ka kaam karungi and un sab ko jod ke aise aapko bataungi about the rest of our journey and what else you guys can do and visit there and some important facts about the city which I think aapko pata hone chahiye before you visit there. So the very first location is Peter and Paul Cathedral जो कि uphill एक residential area में है and it's richly decorated with lots of gold work. It's very beautiful and has a very luxurious and royal feeling to it. Next we visited or you can visit Moser Museum जो कि एक glass museum है जहाँ पर आप वहाँ के 150 years के finely and precisely designed traditional glass works देख सकते हो। वो एक tour भी offer करते हैं to provide you with the history. नेक्स्ट यू कैन विजिट लॉकेट कैसल जो कि सिटी से 15 किलोमीटर दूर है। वहां पर कोई बस का रूट नहीं जाता, एज इन जब अभी हम गए तब तो कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो गोइंग बाय कैब और बाय योर ओन कार इज डेफिनेटली कन्वीनियंट। अब इस सब में हमने कहीं स्पा ट्रीटमेंट तो मेंशन ही नहीं करी। जनरली आपको ये सारी रिलैक्सेशन सर्विसेज लाइक योर स्पा ट्रीटमेंट, बॉडी मसाज, हाइड्रोथेरेपी, सोना, ये सब आपको अपने होटल में ही प्रोवाइडेड होगा, तो वी डेफिनेटली प्रेफर दैट। बट अदरवाइज भी सिटी में कई सारे स्पा एंड मसाज पार्लर्स अवेलेबल हैं फॉर यू टू गो इनटू।
On top of this, I would highly recommend you to get a beer spa, which is one of a kind experience. इसमें आप पहले beer bath लेते हो in a tub full of beer and then hay grass के bed पर relax करते हो. तो अगर आपको interest हो तो you can go to this one, Carlsbad. अब मैं specifically यही वाला क्यों आपको suggest कर रही हूँ, because Carlo Vivari में beer spa के लिए ये बहुत ज़्यादा famous है और इसकी services के बहुत अच्छे reviews भी हैं. But you need to have a prior appointment for this, which we didn't have, so we missed it. But thankfully, Prague mein bhi beer spa ki facility hai, so we'll try that here. And now it's time for some facts about the city. So first is, ye city party place nahi hai. To yahan par aapko koi zyada clubs aur bars ye sab nahi milenge. In fact, puri city around 9 PM, I mean maximum by 9 PM, band ho jati hai. Sare restaurants, markets, ye sab band ho jata hai. Second is, people there speak a lot of languages. Of course, उन्हें चेक तो आती ही है, but उसके अलावा उन्हें English, German, Spanish, Russian, ये सब languages भी आती हैं. तो language related आपको वहाँ पे कोई problem नहीं होगी. Now coming to our third point, मौसम काफी ठंडा था वहाँ पर जब हम गए, but उस मौसम में भी city में काफी चहल पहल थी और city बहुत pretty लग रही थी. तो it's nice to take out some time and walk through the city. फोर्थ पॉइंट, अगर आप सिटी में स्टे करना चाह रहे हो तो होटल चार्जेस लाई एनीवेयर बिटवीन 1000 चेक राउंड्स टू 1500 चेक राउंड्स पर नाइट ऑन द लोअर एंड, और ऑन द हायर एंड इट लाइज बिटवीन 3500 चेक राउंड्स टू 10000 चेक राउंड्स पर नाइट. बट मोस्टली इन सब होटल्स में ही आपकी स्पा एंड रिलैक्सेशन फैसिलिटीज इंक्लूडेड होती हैं. सो ऑल इन ऑल द सिटी इज वेरी नाइस फॉर अ वीकेंड स्टेकेशन ट्रिप. वहां पर जाओ, रिलैक्स करो, स्पा ट्रीटमेंट्स लो, सिटी की नेचुरल ब्यूटी को और उसकी हिस्ट्री को देखो, इंजॉय करो एंड थर्मा वाटर का मजा लो. टोटल आप 4 टाइप के सोविनियर सिटी से लेकर आ सकते हो, जिसमें से एक हमने इस वीडियो में कवर किया और बाकी 3 हमने डे 1 वाली वीडियो में कवर करे थे. सो इन केस यू मिस्ड टू वॉच दैट वीडियो, गो वॉच आफ्टर दिस. I'll also link it down in the description box. So that was it from our trip, guys. Let us know आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपने कभी पहले सिटी को विजिट किया है and you have anything to add on to the information, so please let us know in the comments so that हमें भी पता चले और जो भी और ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी ये इन्फॉर्मेशन से हेल्प हो. Also, don't forget to like, share and subscribe to our channel and ring that bell icon so that you do not miss any of our future videos. I'll meet you in our next video now. Till then, swasth raho, vyast raho, mast raho. Naskledano. Bye bye, Carlovi.